हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस स्लाइड वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड ऑन व्हाट द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। नाउ इन दिस स्लाइड, इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट is order of the reaction and what is molecularity. ठीक है, to start it first we study about what is rate constant. Rate constant क्या होता है? ठीक है, see we suppose I have taken a reaction A plus B gives product. A plus B gives product. अब हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट क्या है, कुछ भी हो, वॉट एवर द प्रोडक्ट इज, इट डजेंट मैटर। ए और बी मिलके क्या दे रहे हैं हमें? प्रोडक्ट। सो फॉर दिस रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के विल बी, सॉरी द रेट ऑफ रिएक्शन, द इक्वेशन विल बी R is equal to K concentration of A into concentration of B. Concentration of A ki power A into concentration of B ki power B. ठीक है, सॉरी। सो इफ इन इफ The concentrations of reactant means the concentration of A and concentration of B is unity, yani the value of concentration of A and B is 1. Then what will happen? This rate of reaction R will become equal to K. ठीक है? This rate constant is also known as specific rate of reaction. Basically, it is directly proportional to K. That means higher the value of rate constant, higher the value of rate constant, the reaction will get more faster. Because क्योंकि ये equal to में directly proportional है, so जितनी ज़्यादा rate constant की value होगी, higher its value, the reaction moves more faster, more spontaneous. ठीक है? And if it has lower value, then the rate of reaction will be less. Moreover, for it has a specific nature. It is specific. Means for each and every reaction, it has a definite value. ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन से अगर अमोनिया बन रही है और नाइट्रोजन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सपोज वी आर फॉर्मिंग अमोनिया, इट वी आर फॉर्मिंग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दोनों ही कंपाउंड में नाइट्रोजन है, सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट विल बी सिमिलर फॉर बोथ द रिएक्शन, ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉर अमोनिया इट हैज अ डिफरेंट वैल्यू, फॉर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इट विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू। ऑन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इट विल बी कॉन्स्टेंट, बट एज वी चेंज द टेम्परेचर, अगर हम सिर्फ अमोनिया के ही लिए बात करें, तो एज वी चेंज द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट गेट ऑल्सो चेंजेस, बिकॉज द रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑल्सो। द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट नेवर डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, व्हाट आई सेड, इट नेवर डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन, जो है वो कभी भी, द रेट कॉन्स्टेंट इट नेवर डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन? मॉलिक्यूलैरिटी बेटा, इट इज अ हाइपोथेटिकल, इट इज अ
हाइपोथेटिकल प्रोसेस, ठीक है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलैरिटी? द मॉलिक्यूलैरिटी मींस हाउ मेनी पार्टिकल्स आर गेटिंग कोलाइड टू ईच अदर। सपोज आई हैव टेकन अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अब एक मान लो कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर कि इसके ए मोल्स यूज हो रहे हैं एंड फ्रॉम बी द मोल्स यूज आर बी, ठीक है। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि इसके जो ए मोल्स लिए हैं वो सारे इस बी से कोलाइड करें, नो इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। ओनली अ पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट कोलाइड टू ईच अदर। सो इन एनी एलिमेंट्री रिएक्शन द पार्टिकल्स विच गेट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, मीन्स इनके जो पार्टिकल है जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग गिविंग द प्रोजेक्ट प्रोडक्ट, दे आर गिविंग द प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। Now, what is elementary step? Elementary step means which is represented as a first step or the reaction step. ठीक है? In unimolecular, it is a single step. In bimolecular, it two step पे होगा. In trimolecular, it convert in three steps. What do you mean by mechanism of a reaction? Mechanism means किस तरह से reaction हो रही? For example, I have taken you a reactant. ठीक है, क्या होगा? When any attacking reagent react on it, suppose there is an attacking reagent which is getting attack upon reactant. इट रैपिडली कन्वर्ट इंटू इंटरमीडिएट। पहले क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब अ कंपाउंड इन बिटवीन दैट विच इज अनस्टेबल विच रैंडमली डीकम्पोज इंटू प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। तो ये पूरी जो मैकेनिज्म है इट इज अ सीक्वेंस इन विच इंटरमीडिएट स्टेप्स आल्सो कम्स। सो ओवरऑल दिस स्टोइकियोमेट्री विच रिप्रेजेंट द ऑल स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन मीन एक ऐसी फिनोमिना ऐसी मैकेनिज्म जो पूरे किस तरह से रिएक्शन हो रही है द कंप्लीट स्टोइकियोमेट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट इज नोन एज द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। A sequence of intermediate steps for elementary processes to account for overall stoichiometry of reaction. किस तरह से reaction complete हो रही है? How this is getting completed? That is known as mechanism of a reaction. The basic step is known as elementary reaction, while in which the reactions occur two or more than two steps are known as complex reactions. For example, I have taken here 2NO plus O2 gives NO2. जब NO और NO के दो पार्टिकल आपस में मिलेंगे, they give N2O2. And when N2O2 react with oxygen, it give again NO2. तो अगर हम इन दोनों को we combine these two elementary steps, then in this final reaction will be 2NO plus O2 gives 2NO, ठीक है। So overall this is mechanism, but these are the different elementary steps which are responsible for the reaction between NO and O2. इन एलिमेंट्री रिएक्शन देयर विल बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑल्सो। मैंने कहा जैसे कि जब दो या दो से ज्यादा स्टेप्स वहां पे डिफाइन आउट करते हैं तो डेट इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है।
So in each complex reaction as well as an elementary reaction, it have its own molecularity and its own rate. Means एक ऐसा step which determine the rate of reaction. The step which determine the rate of reaction, that is a slow step, क्योंकि fast में तो आप नहीं कर सकते इतना. So which will be the slow step, that is known as rate determining step. ठीक है, क्यों? सपोज एक रिएक्टेंट है, ठीक है, ए इसको बी से रिएक्ट कर रहा है. सो अंटिल अनलेस वी प्रोवाइड इट एनर्जी, जब तक हम इसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा नहीं होगी, इट विल नॉट रिएक्ट विद अनदर वन. तो जो फर्स्ट स्टेप होता है डेट इज वेरी हाई, डेट नीड्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी, डेट्स वाई इट इज अ स्लो स्टेप. ठीक है, वाइल वेन एक बार एक इसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई, देन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन दिस फर्स्ट स्टेप एंड इट गेट एक्सीडेड एंड दैट विल बी फास्ट. दिस फास्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. इट विल डिसाइड कि रिएक्शन किस रेट से होगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है बहुत स्लो है. ठीक है, क्योंकि उसको हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, सो इट विल इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. While in second step, overall the rate of reaction depend because, and this is known as rate determining step. Now the next topic is order of the reaction. Order of the reaction. See beta, it is a hypothetical process. ठीक है, sorry, it is a practically possible process. इसको हम थ्योरेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते हैं. वी कांट डिफाइन इट थ्योरेटिकली. क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कांट बी टेल बाय सीइंग द रिएक्शन ओनली. एक रिएक्शन लिखी है, आप उसको देख के नहीं बता सकते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, इट विल गो थ्रू, इट कैन बी टेल ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन कि उसकी कितने पार्टिकुलर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है, द पावर टू विच द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट इन अ रेट लॉ इज रेस्ड इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. विद रिएक्टेंट रिस्पेक्ट टू डेट रिएक्टेंट वाइल द सम ऑफ ऑल पार्ट्स इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें ये, व्हाट इज इट सेइंग? सपोज आई हैव टेकन अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन? आर इज इक्वल टू के ए की पावर ए बी की पावर बी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, दिस इज रिटन अकॉर्डिंग टू दैट लॉ. ठीक है, बट इज इट कंपल्सरी कि अगर हमने ए के ए मोल लिए हैं, सो दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद द सेम पार्ट ऑफ दैट बी, कंप्लीट पार्ट जो है वो आपका यूज अप हो? नहीं, इट इज नॉट कंपलसरी. इफ वी आर टेकिंग द टू मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, तो ऑल द टू मोल्स आर गेटिंग रिएक्टेड विद द नेक्स्ट रिएक्टेंट. इट इज नॉट कंपलसरी, इट मे बी चेंज. सो बेसिकली द जितने भी पार्टिकल्स वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सपोज तब ए में से एक्स पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड फ्रॉम बी वाई पार्टिकल्स आर गोइंग. सो अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर y, where x and I, y are the particles which are exactly going to react with another. ठीक है, so what will be the order of the reaction? What will be the order of the reaction in such case? In such case, according to the definition, the value of order of the reaction will be the sum of these powers. That means x plus y.
That means we can also say that the rate of reaction is directly dependent upon the order of the reactions. Rate of the reaction is directly proportional to the order of the reactions. या फिर आप ये कह सकते हो कि जो भी order of reaction है, it completely depend upon the rate of. ठीक है? Now, unit of order of the reaction. See बेटा, actually we can't the unit of order of the reaction is not constant. It may be changed according to the order of the reaction. Because order of the reaction is of various types. It may be zero order reaction, it may be one order reaction, it may be two, three and so on. It may be fractional also in fact. So there are different rate constant for different order of reactions. ठीक है? The unit of rate constant, ठीक है? Of different orders of reactive are different. For example, अभी मैंने कहा कि I have taken a reaction out of which X and Y are getting to be used. तो total order of reaction क्या होगा? X plus Y. That means that is equal to M. So for that a common formula is over there, that is mole 1 minus n liter inverse 1 minus n and second inverse, where n represent the order of the reaction, n represent the order of the reaction. If the order of the reaction is zero, if order of the reaction is zero, then जीरो है तो क्या होगा, यहाँ एन की वैल्यू जीरो रख दी, मोल वन माइनस एन मीन्स पावर वन, लीटर इनवर्स वन माइनस एन, वन माइनस जीरो यानी वन, अगेन इट विल बी लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स तो है ये. इफ वी टेक ऑर्डर वन, ऑर्डर क्या हो वन, देन व्हाट विल हैपन, मोल की पावर वन माइनस एन, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, और किसी भी की भी पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू वन हो जाती है. अगेन वन माइनस वन जीरो, तो इसकी वैल्यू भी वन, तो द यूनिट विल बी ओनली सेकेंड इनवर्स. ठीक है, सिमिलरली इफ यू पुट टू, तो व्हाट विल हैपन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, वन माइनस टू यानी मोल की पावर माइनस वन, 1 माइनस टू, ये माइनस वन, माइनस वन प्लस वन हो जाएगा लीटर सेकेंड इनवर्स. सो इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सो यूनिट विल ऑल्सो चेंज विद द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. आई सेड ऑर्डर इज द order of the reaction is a practically possible process. So it is a sum of powers on concentration terms. ये concentration पे depend करता है. But molecularity depends how many number of molecules are taking part in reaction. So it will be a theoretical value while order of the reaction is experimental value which completely depend upon rate expression. इट मे बी जीरो, फ्रैक्शनल, इंटीजर, कुछ भी, बट मॉलिक्यूलैरिटी कांट बी जीरो, कांट बी फ्रैक्शनल. इट मे हैव नेगेटिव वैल्यू, ऑर्डर मे हैव नेगेटिव वैल्यू, बट मॉलिक्यूलैरिटी कांट है. ये एक पूरी रिएक्शन के लिए असाइन होती है एंड इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन प्रेशर, टेम्परेचर, वाइल मॉलिक्यूलैरिटी डिपेंड अपॉन रेट डिटरमिनेशन स्टेप, दैट मीन्स एलिमेंट्री स्टेप ऑफ मैकेनिज्म. And it do not depend upon pressure and temperature. ठीक है, I hope the all things are clear to you. There is no confusion. But still, if you have any confusion, you can text in comment box. Till then, wish you a very all the best. ठीक है, keep it up. Keep your studies carrying on. Thank you.